हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। और आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है आईडी एंड क्या होता है क्लासेस, और वो किस लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिसके बिना हम कुछ भी स्टेप्स कर नहीं पाते अपने वेबसाइट्स में। पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा इसी प्रकार के वीडियोज अपलोड किया करता हूँ, तो अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ, और पिछले वीडियो में आपने देखा था क्या क्या हमारा इनपुट टाइप्स है। मैं और एक फाइल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे करूंगा tut10.html, और इस फाइल के अंदर मैं पहले आके एक्सक्लेमेशन मार्क फिर एंटर देके मैं अपना बॉयलर कोड लगा दूंगा। इसके अंदर आज हम सीखेंगे आईडी एंड क्लासेस। ओके, तो आईडी एंड क्लासेस के नाम से मैंने टाइटल दे दिया। अभी गो लाइव पे क्लिक करके मैं लाइव चला जाऊंगा। पेज पूरा अभी खाली आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी टैग्स हमारा नहीं लिखा है, बट जैसे ही हम टैग्स लिखते हैं ये हमारा चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पहले जाऊँ एक डिव लगाऊँ, डिव के अंदर अगर मैं कुछ टाइटल लिखूँ, हेलो, ओके, मैं डिव के अंदर अगर हेलो लिख लूँ देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो आ गया है। और अगर मैं इसके नीचे एक स्पैन लिखता हूँ, इसके अंदर हेलो टू लिखता हूँ, ओके, आप देखते रहिए हेलो टू यहाँ पे लिखा हूँ। बट अभी मैं इन दोनों को अगर कुछ क्लास दे दूँ, अल्ट और आपका क्लिक करने से आपका दो दो क्रशर आ जाएगा। अगर मैं दोनों को क्लास दे दूँ, क्लास दे के अगर मैं क्या करूँ, इसमें एक क्लास देता हूँ मेन डिव, ओके, मेन डिव मैंने दे दिया। और मेन डिव देने के बाद अगर मैं इसको आईडी देता हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, यू दे रहा हूँ, ओके, बट आईडी का एक रूल है, एक आईडी दोनों जगह में यूज नहीं होगा। सो इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, एक आईडी एक ही टैग के अंदर ही रहेगा। मतलब डिव है तो इसी डिव के अंदर ही ये आईडी यूज होगा, और उस पूरे के पूरे पेज में कहीं पे भी ये वाला आईडी यूज नहीं होगा। बट ये जो क्लास नेम है आप ये कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेन डिव दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है, आपका मन मर्जी जो है आप वो दे दीजिए, ओके। ये जो मेन डिव है, ये मेन डिव मतलब एक प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब आईडी का मतलब सिंपल मीनिंग है आइडेंटिफायर। हम इस वाले जो डिव है, ये डिव के अंदर जो हेलो लिखा है, इस हेलो को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये वाले यू से, ओके। बट अगर इसका कुछ प्रॉपर्टी, डिव का कुछ प्रॉपर्टी और हमारे जो स्पैन का कुछ प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उसको हम क्लास में लिखते हैं, ओके। जैसे मैं अगर यहाँ पे करूं ब्लैक बीजी, ओके, ब्लैक बीजी अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं ब्लैक बीजी कर रहा हूँ, ओके, तो ये ब्लैक बीजी मतलब अगर मैंने इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग दिया है वो दोनों में आ जाएगा। बट आईडी मतलब कुछ यूनिकनेस जो कि खाली इसी को ही मिला है। मतलब जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, उसको एक रोल नंबर दिया होगा, पर्टिकुलर रोल नंबर, जो रोल नंबर उसका क्लासमेट के किसी रोल नंबर से मैच नहीं करता है, वो है आईडी। बट स्कूल में सबका यूनिफॉर्म सेम होता है, तो वो क्या है, एक प्रॉपर्टी जिसका यूनिफॉर्म, स्कूल में सबका यूनिफॉर्म सेम होता है। तो ये है हमारा ये क्लास, क्लास ये काम करता है, सबके प्रॉपर्टीज जब सेम सेम होता है हम उसको क्लास देंगे, और जिसका मतलब प्रॉपर्टी कुछ यूनिक होता है तो उसको हम आईडी देंगे। जैसे कि आप भी, आप स्टूडेंट, ये दोनों समझ लीजिए, एक स्टूडेंट एक टीचर, स्टूडेंट टीचर में हमारा सेम इतना है, उन दोनों का स्कूल सेम है, ओके, बट आईडी, आईडी स्टूडेंट को ही मिला है, टीचर को आईडी नहीं मिला है, ओके, ये समझ लीजिए। आपको यहाँ पे मैं स्टाइल टैग करके बता दूंगा जो कि आपको बहुत काम आएगा, ओके। स्टाइल टैग में हम लोग सीएसएस लिखते हैं, हम तो सिंपली लिख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कंफर्म होने के लिए यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ टीचर, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ओके, टीचर एंड स्टूडेंट। अब ये जो स्टाइल टैग है हम इसमें इंडिकेट करेंगे डॉट, डॉट मतलब आपको याद रखना है, डॉट मतलब है हमारा क्लास, और हैश मतलब है हमारा ये जो आईडी, ओके। तो अभी हम लोग डॉट के साथ, क्लास के साथ काम कर रहे हैं, मतलब मैं इसको डॉट दूंगा, ओके, बट इसके अंदर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ये मतलब वेब जैसा नीचे आ रहा है। बट अगर आप इसमें लिखते हैं, मैं अगर इसको सिंपली करूं बैकग्राउंड, इसको एक्वा देके, एक्वा मतलब ब्लू कलर, ओके, बैकग्राउंड ब्लू कलर दिया हूं, और इसको अगर मैं क्या करूं कलर, अगर कलर इसका डिफॉल्ट ब्लैक होता है। अभी देखिए ये जो ब्लैक बीजी है, यहाँ पे भी ब्लैक बीजी है, यहाँ पे भी ब्लैक बीजी है, ये अभी दोनों में अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
एक गया स्टूडेंट है हमारा, एक गया टीचर है, बट ये दोनों पे अप्लाई हो गया। ये वाला फुल आने का रीजन है डिव। ओके, डिव एक इनलाइन एलिमेंट नहीं होता है, बट टीचर एक इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि हमने टीचर को एक स्पैन में लिखा है, बट ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है स्टूडेंट, सो ये इसके अंदर आ गया है। ओके, अगर एक काम करूं मैं अगर एक काम करूं, इस डिप को थोड़ा बड़ा बढ़ रहा हूं और इसको इसके अंदर ले लूं, मैं अल्ट और ऑपेरो की प्रेस कर रहा हूं। ओके, अभी देखिए टीचर स्टूडेंट एक ही डिप के अंदर यहां पे आ गए। ओके, बट ये जो स्टाइलिंग्स है ये मेरा CSS का सीरीज इसी संडे से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको उसी में सिखाता रहूंगा। ओके, बट अभी आप स्टाइलिंग पे ध्यान मत दीजिए, आईडी से क्या होता है आप देखिए। बट यहाँ पे एक आईडी है, आईडी मतलब हैश टैग। ओके, हैश यू, क्योंकि यू का आईडी हमने दिया है, ये स्टूडेंट है, हमको पता किसे चलेगा कि ये स्टूडेंट है। अगर हमको स्टूडेंट को पता कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है उसको अगर मैं सिंपली ब्लैक कर दूं, ओके, और उसका कलर को अगर व्हाइट कर दूं, ओके, कलर को अगर व्हाइट कर लूं, अभी देख सकते हैं आप, ये देखिए स्टूडेंट का जो कलर है वो हो गया है व्हाइट और इसका बैकग्राउंड जो है वो हो गया है ब्लैक, मतलब ये ओवरलैप कर गया। ओके, मतलब ये वाला जो कलर था ये इस क्लास वाले सभी को मिलने वाले थे, बट ये जो उसका यूनिकनेस है, स्टूडेंट का यूनिकनेस है ये ब्लैक, मतलब ये जो आईडी, ये आईडी उसको यूनिक बनाता है इससे। ओके, तो हम मल्टीपल क्लास भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ एक्स वाई जेड, कुछ भी आप दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ, अभी लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं, ये क्लास है इसीलिए इसको डॉट से करना पड़ेगा, ए बी एच आई। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी वही कर लेता हूँ सेम, इसका बैकग्राउंड कर लेता हूँ वायोलेट कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड को। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वायोलेट हो गया, बट इसका ये वाला अभी भी ये जो है ये वैसा ही है, क्योंकि इन दोनों का आईडी, अगर मैं काम करूं ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको अगर हटा दूं, कंट्रोल एक्स मारा वो हट गया, तो देखिए ये अपना रिटर्न स्टेटमेंट में आ गया, रिटर्न में जैसा था वैसा हो गया। क्योंकि अभी आप बोल सकते हैं कि इसको अपने एक्वा दिया था और एक्वा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है CSS में, आप नीचे में जो लिखेंगे वो ज्यादा पावरफुल होता है ऊपर वाले से। अगर मैं इसी को अल्ट और अप एरो दबा के, अगर एक सेकंड में इस वाले में अगर इसको यहां से कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे डाल दूं कंट्रोल वी, ओके, जस्ट, तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्या होगा, ये वाला ब्लू हो जाएगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं आपको CSS में बताऊंगा। अगर इसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर आप एक चीज को नीचे लिखते तो उसका पावर ज्यादा होता है, क्योंकि हमने अभी वाला यहाँ पे मेंशन किया है अभी को, और अभी का बैकग्राउंड हमने चेंज किया है नीचे में, ओके, ऊपर में चेंज नहीं किया है, और ऊपर में कुछ उसका यहाँ पे अगर मैं अभी दे दूं तो वो चेंज हो जाएगा, बट हमने यहाँ पे अभी नहीं दिया है। अभी देख सकते हैं ये कैसा है, अगर मैं एक काम करूं यहाँ पे अभी दे दूं, अभी देखिए ये कैसा है, चेंज हो गया। ओके, आप अभी समझ सकते हैं, बहुत आपको इससे पता चला होगा डिफरेंस। और एक चीज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये जो आईडी है, आप सोच रहे होंगे कि आईडी क्या हम दो तीन लिख सकते हैं, वैसा नहीं होगा, आईडी एक ही होगा, आईडी को एक से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, इसका भी आप आईडी दे सकते हैं, ईच एंड एवरी चीज का एक एक आईडी हो सकता है, बट उस आईडी को आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से लिखना है। ओके, मतलब जैसे कि रोल नंबर होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर किसी का मैच नहीं करते, उसी तरह आईडी मैच नहीं करेगा, बट उसका प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज को हम क्लास में लिखेंगे, क्लास उसको हम जितना भी क्लास लिख सकते हैं, और क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे स्टाइलिंग करेंगे, ये मेरे CSS के वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपने ये वाला प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो कर लेना। ओके, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है सब कुछ HTML के बारे में। और एक चीज आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक एमिट का एक यूज है। ओके, अगर आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डिव डॉट सी डॉट C1 डॉट C2, ओके, इसका मतलब क्या है, ये एमिट आपको पावरफुल बनाता है। अगर आप इसको एंटर क्लिक करते, ये देखिए तीन क्लास बन गया इसका, एक डिव के अंदर सी क्लास, C1 क्लास, C2 क्लास। उसी तरह अगर मैं चाहूँ एक स्पैन ले लूँ, स्पैन के अंदर मैं क्या करूँ, क्लास CLA और एक डॉट, फिर अगर लगा दूँ T, उसके बाद अगर एक हैश टैग लगा के लिख लूँ अभी, ओके,
अभी नाम के आईडी के अंदर सीएलए क्लास है, ये देखिए अभी नाम का आईडी है, क्लास दो है, सीएलए क्लास और एक टी क्लास एक स्पैन के अंदर। ओके, अगर आप चाहते हैं चार स्पैन को एक साथ लाना, ओके स्पैन इंटू फोर कीजिए, एंटर कीजिए, चार चार स्पैन आ जाएगा आपका। ओके, तो इसी तरह का एमएट का यूज है, मेरा एमएट वाले वीडियो में मैंने बताया है। ओके, आज के लिए आपके लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस सभी को एक्सेस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका एचटीएमएल में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।